ये अब आ गया दोपहर के खाने का टाइम। कीमा मैंने तैयार कर लिया, पहले इसको मैंने बॉईल किया है और उसके बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक एंड न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग ना लग गया है इसमें क्या होने वाला है। आज भी मैं आपको बताने वाला हूँ डाइट प्लान के जिम शुरू की है और जिम के बगैर डाइट के बगैर खाने पीने के बगैर जिम इम्पॉसिबल है। अगर ऐसे जिम करोगे तो आपकी जो हड्डियाँ हैं वो पहले से बहुत ही वीक हो जाएंगी जिम करने से, ठीक है। इसके क्योंकि खाना पीना जरूरी है, 80% डाइट होती है जिसमें 20% जिम होती है, ये डाइट जरूरी है। अभी टाइम हो गया 11:30 का और सॉरी 9:30 का, तो मैंने नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ते में मैंने ये पीनट बटर, ये है पिंटोला का पीनट बटर है और इसके साथ ये स्लाइस आ गई हैं, स्लाइस ले रही है, इसमें 4 पीस मैंने लेने हैं और साथ ये जो है ना दही, ये नाश्ते में ज़रूरी है, ये लिया करो, इससे आपका जो स्टमक है वो मैदा साफ हो जाता है आपका। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है शेक, वो शेक भी ज़रूरी है और वो मैंने 1 गिलास ही लिया फिलहाल क्योंकि अभी बिगनर हूँ मैं। आज मैं आपको पूरे दिन का डाइट प्लान आपको बताऊँगा कि क्या क्या मैंने आज खाना है और क्या क्या लेना है, तो चलता हूँ मैं आपको पहले ये खा लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मैंने जाना है कीमा करवाने के लिए, कीमा गोश लूँगा वहाँ से, वहीं से कीमा करवा लूँगा। चलता हूँ मैं आपको वीडियो के साथ, मिलता हूँ, पूरे दिन की टीम बताऊँगा इंशाल्लाह। इस बंदे से कीमा करवाया है, ये बंदा हो गया था गुम, बड़ी मुश्किल से ये बंदा मिला है, शायद मेरा बेली निकल आया ये कीमे वाला जी। अभी आ गया दोपहर के खाने का टाइम, दोपहर के खाने में मैंने कीमा तैयार किया है, तो कीमा मैंने लिया था आधा किलो में से मैंने हाफ जो पाव था वो मैंने तैयार कर लिया है, उसमें काली मिर्ची और नमक डाल के, वो भी आपको सीन दिखाता हूँ। कीमा मैंने तैयार कर लिया, पहले इसको मैंने बॉयल किया है और उसके बाद थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है, तो थोड़ा सा नमक डाला है और इसके अंदर डाला मैंने टमाटर, ये मैंने बना लिया सलाद, सलाद के अंदर मैंने डाला है खीरे हैं। कोशिश करो कि आप प्याज ना खाओ, अगर प्याज खाना भी है तो जो वाइट प्याज होता है वो प्याज आपने नहीं, हाँ अंदर से वाइट होता है। इसके अंदर मैंने शकंदर डाल लिए, गाजर डाल लिए और ये बंद गोभी है और इसके साथ मैंने एक स्पेशल कट किया है सेब, ये सेब के पीसेज भी मैंने काटे हैं, ये ज़रूरी है, ये भी खा लिया करो, इसके बहुत अच्छा होता है। अभी टाइम हो गया जी 3 का, तो अभी मेरा टाइम आ गया दलिया खाने का। दलिया मैं लेता हूँ जी जौ का, ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये मैंने इतना दलिया ले लिया जी, इसके अंदर ये दलिया लेना आप जौ का, क्योंकि जौ का दलिया अच्छा होता है, गंदा का दलिया सही नहीं होता। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दाना दूध बोतल खोलनी है, दूध अगर बॉयल किया हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल मैं कच्चा डाल रहा हूँ। इसको मिक्स करके चीनी नहीं डालनी है आपके अंदर, दलिए के अंदर चीनी नहीं डालनी है आपने, ऐसे इसको खाना है। ले जी अभी खाते हैं दलिया, और अभी मैंने पकड़े हैं यहाँ से ये केले आ गए हैं और केले पकड़ रख लेता हूँ पहले, और इसके बाद मुझे यहाँ से निकालने हो गए सेब, एक सेब ले लेता हूँ मैं, सेब और केले ये रख दिए इधर मैंने, अब इसकी बनानी है मैंने चाट जी। अभी मैंने ये इसके पीसेस कर लिए हैं और इसको भी मैंने खाना है जी। अभी आ गया जिम जाने का टाइम, जिम जाने में अभी मेरे 20 मिनट बाकी हैं, ठीक है, तो मैं साथ ही किचन में इंटर हो गया हूँ, तो मैंने पकड़ लिए हैं 2 अंडे, इसको मैंने करना है बॉईल, अंडे बॉईल करके मैंने हाफ खा लिए, हाफ छोटे औजार से ना गुम तोड़ के ना सारा इसमें ढूंढने पड़ेंगे, ये ज़ाया हो गया और 1 अंडा बड़ा हुआ है। जिम जाते हुए अगर मैं 2 अंडे खाऊं तो उसकी सर्दी मैं नहीं खाऊंगा, अगर 1 खाऊं तो उसकी सर्दी मैं खा सकता हूं, अभी मैं खाने गया हूं 1 सर्दी से कंप्लीट मुझे खानी पड़ेगी जी। अभी जिम के लिए मैं रेडी हो रहा हूं, तो मैं निकलना अभी इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर मैंने घर से निकल जाना है, तो मैं मिलता हूँ आपको जिम के अंदर।
बाद पहले मैंने शेक बनाया वो पिया, और उसके बाद अब मैंने ये वाइट राइस और साथ चिकन पीस बॉयल किए थे मैंने, और साथ ही उदासी बैठा भाई इसको अभी मैंने खाना है जी। आज आपने मेरा देख लिया डाइट प्लान, फर्स्ट डे था आज मेरा जिम का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है, सारा दिन खाता पीता रहा हूँ, बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी किसी भी चीज़ के दिन में खाने पीने के अलावा, यानी कि इसके अलावा होता भी क्या खाने पीने के अलावा। ये था मेरा डाइट प्लान आज का, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दो में जरूर याद रखिएगा। हाँ यार, तो अब तक मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर दिया करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका परफेक्ट नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।